हेलो दोस्तों, वैसे तो हर दौर की अपनी ही एक खूबसूरती होती है हर बिल्डिंग की, पर मैं जिस बिल्डिंग की बात करने जा ये है अमेरिका का एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिसको हम मास्टरपीस कह सकते हैं कि ये 1889 में बना है और इस पर उस टाइम जो खर्चा है वो है तकरीबन $8 लाख ऑलमोस्ट। और इसमें तकरीबन 5 कमरे हैं, 4 इसमें वॉशरूम्स हैं और ये तकरीबन 4,000 से 4,500 स्क्वायर फीट एरिया पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग है। पर इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि कितनी खूबसूरती के साथ ये अभी भी बिल्डिंग मौजूद है। और अभी भी अगर आप इस बिल्डिंग को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आके चेक करोगे और इसके अंदर आके देख लोगे तो आपको वाकई महसूस कभी भी नहीं होगा कि ये एक इतना पुराना बिल्डिंग है कि जिसको बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं। आप इसके हर कमरे की अपनी एक रंग रोगत और अपनी ही एक डिजाइन देख सकते हो, हर वॉशरूम की अपनी एक डिजाइन देख सकते हो और जिस तरह इन्होंने कलर और टेक्सचर वगैरह का इस्तेमाल किया है और जिस तरह के इन्होंने इसमें फर्नीचर वगैरह का यूज किया है, बिल्कुल कमाल लगता है, बिल्कुल कमाल है। और ये एक मास्टरपीस से कम नहीं है। आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने बाज़ जगहों पे प्लास्टरिंग की हैं और बाज़ जगहों पे इस तरह के ब्रेक वगैरह का इस्तेमाल किया है कि जिसको हम एक एज अ फीचर ब्रेक कह सकते हैं, फीचर वॉल क्रिएट की इन्होंने। तो ये आप बाहर से भी देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितना खूबसूरत है। अगर ये आपको वाकई पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।